सीएम योगी के खिलाफ ईरानी राष्ट्रपति जैसी साजिश, हवा में किसने बदला योगी के हेलीकॉप्टर का रास्ता। जहां करनी थी रैली वहां से 100 किलोमीटर दूर लैंड हुआ हेलीकॉप्टर। एनएसजी कमांडो के भी फूले हाथ पांव। 5 घंटे तक पब्लिक करती रही बाबा का इंतजार, फिर खुद योगी ने बताई वो कहानी, हवा में उनके साथ क्या हुआ था। क्या हिंदुस्तान के आसमान में भी उड़ना नहीं है सिर्फ योगी के हेलीकॉप्टर का, किसने बदल डाला नेविगेशन। पहले शाह के हेलीकॉप्टर में खराबी, अब योगी के हेलीकॉप्टर का बदला रास्ता। क्या मोदी पर भी मंडरा रहा है खतरा। क्या ईरानी राष्ट्रपति वाली साजिश हिंदुस्तान में भी कई नेताओं के खिलाफ रची जा रही है। बिहार में रैली को संबोधित करने जा रहे सीएम योगी के साथ जो हुआ वो हैरान कर देता है। क्या सीएम योगी की सुरक्षा को आतंकी जमीन पर नहीं भेद पा रहे तो हवा में साजिश रची जा रही है, या पायलट की एक गलती ने सबकी जाने अटका दी थी। सुबह सुबह मुझे पहले पूरी जाना पड़ा, वहां से फिर एक और लोकसभा सीट पर जाने के बाद मैं यहां आ रहा था, हेलीकॉप्टर दूसरी सीट पर चला गया। लेकिन दोनों स्थानों पर मुझे प्रचार करने के जाना था, अभी आपके बीच में आया हूं। हवा में योगी के हेलीकॉप्टर के साथ जो हुआ उसकी पूरी कहानी जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन अभी जो दावे किए जा रहे हैं वो बहुत हैरान कर देने वाले हैं। आखिर योगी का हेलीकॉप्टर जहां पहुंचना था वहां से 100 किलोमीटर दूर क्यों लैंड करना पड़ा। क्या योगी के हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी थी? अगर खराबी थी तो फिर योगी खराब हेलीकॉप्टर लेकर क्यों उड़ रहे थे। अब सवाल उठता है कि जब योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जमीन से हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ रहा था तो वहां ऐसा क्या हुआ कि पायलट रास्ता ही भटक गया। योगी को जहां भाषण देना था वहां वो 5 घंटे की देरी पर पहुंची। मंच से जल्दबाजी में उतरते हैं और दूसरी जगह पहुंचते हैं क्योंकि वहां पब्लिक 5 घंटे से इंतजार कर रही थी। बताया गया कि आप लोग 12 बजे से यहां आए हैं। बहनों और भाइयों, पिछले 5 घंटे से इंतजार करते करते और आपके अंदर जो उत्साह है, इस उत्साह को सचमुच मैं अभिनंदन करता हूं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इसके लिए मैं राधा मोहन बाबू को कहूंगा कि चुनाव के बाद इन लोगों को अयोध्या धाम का दर्शन जरूर कराना, मैं इनका स्वागत। भाषण देने के बाद योगी यहां से भी जल्दी लौटते हैं। फिर पता चलता है कि इसकी जांच के आदेश दिए गए। आखिर पायलट ने अचानक से हेलीकॉप्टर का रास्ता कैसे बदल लिया? मौसम की खराबी होने पर पायलट कंट्रोल रूम में संपर्क करने के बाद कोई फैसला लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं था, बल्कि शुरुआती जांच में ये पता चला कि पायलट ने कंफ्यूजन की वजह से ऐसा किया, क्योंकि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों नाम एक जैसे हैं, इसीलिए उसे कंफ्यूजन हो गया। पर बात इतनी छोटी नहीं है, इसे छोटी मानकर स्वीकार कर लिया जाए ये भी ठीक नहीं है, इसीलिए इसके खिलाफ एक जांच बिठाए जाने की जरूरत है, वो भी ऐसे समय में जब लगातार योगी को धमकियां मिल रही हैं, साजिश रचने वाले कई मौलाना गिरफ्तार हो रहे हैं और दूर विदेश में बैठे मोदी योगी के खिलाफ प्लानिंग बताई जा रही है। साजिश हुई कि पूरी दुनिया एक सुर में ये पूछ रही है कि क्या हमारे हेलीकॉप्टर सुरक्षित नहीं है, क्या हवा में उड़ना सेफ नहीं है। इसीलिए कई सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे।